मैं तो इतना कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि आप लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। कैसे मेरे रील्स का चाहने वाले जितने भी नले छपरी बेरोजगार साला खस्सी कॉलोनी के अपने आप को समझते जैसे कोठी बंगले वाले हैं, बड़ी बड़ी लड़कियों को ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत बड़ी कोठी बंगले वालों में से आए हैं, उन्हीं में से एक आशीष भाई है। क्यों भाई? तो गाइस हम लोग जो है अभी रवि के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। मोती मस्जिद में के पास एक दुकान है नेशनल, जहाँ से जहाँ में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं, एथनिक वेयर और ट्रेडिशनल ड्रेसेस लड़कों के लिए। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं रवि के लिए, देखते हैं क्या कुछ मिलता है, इंडो वेस्टर्न या सफारी, आई मीन सफारी या ओके मिलते हैं गाइस। सो गाइस अभी हम लोग रोशनपुरा चौराहे पर पहुँच गए हैं। मैं हूँ, अमन भाई हैं और साथ ही बादलपुर का रवि भी है। हम लोग श्री शिवम के सामने हैं, अजय भाई आ रहे हैं मिलने के लिए, कुछ देना भी है। मोबाइल की स्टेबिलिटी भी कमाल की है, मूव कर रहा हूँ। ये फोन है ही इतना जबरदस्त कि मजा आ जाए। मुझे मिल गए हैं अजय भाई। अजय तेरा नाम चौहान, आप ये भी दिखा सकते हो साथ। और हम हैं श्री शिवम के सामने, ये है श्री शिवम। Somebody's chop him. Somebody's chop Cena. Uh-oh. No boy. No. Hold on a second. Somebody's coming here. अगर कोई ऐसी स्थिति में आपका फोन आपके हाथ से छीन कर चले जाए तो आप की हालत क्या? मुझे लेने के बहुत आते थे पहले शिवानी वानी। So, दोस्तों देखिए जरा हम लोग आ गए हैं मार्केट के अंदर और काफ़ी सारी दुकानें हैं। आगे जा रहे हैं हम लोग नेशनल स्टोर पर, जहां से हमने पहले भी कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे, पहले भी कुछ कपड़े लिए थे। और रवि और अमन भाई भी साथ में हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। और हम तो आते रहते हैं सिटी, जब भी कहीं खरीदारी तो मेरे रील्स के चुराने वालों जितने भी नले छपरी बेरोजगार खस्ती कॉलोनी के भिगमंगे सारे अपने आप को समझते जैसे कोटी बंगले वाले। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप चलो, मैं तो इतना कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि आप लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। तो अमन भाई रॉक स्टार हैं हमारे यहाँ के, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की, मगर हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हम पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ से हमें कुर्ता पजामा, शेरवानी और भी काफ़ी कुछ हम लोग देख रहे हैं, हल्दी मेहंदी और शादी जैसे कार्यक्रम के लिए मुझे भी लेना है और रवि के लिए भी। तो उम्मीद है कि यहाँ पर हमें अपना पसंदीदा चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी मैं मनोज भैया से ही लेकर गया हुआ था अपने ब्लेज़र वगैरह। तो रवि ने मेहंदी के लिए ले लिया है ये वाला। दूल्हे राजा यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं इस ड्रेस में। देखिए दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं। तो काफी बढ़िया इनका स्टोर है, लगभग 3 फ्लोर्स हैं यहाँ पर। ये सेकंड फ्लोर है और इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इससे ऊपर भी एक है ना, टोटल 3 फ्लोर्स हैं। तो आप बिल्कुल आ सकते हैं इब्राहिमपुरा
ये क्षेत्र है और साथ ही जो है यहाँ पर इसका एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए। इब्राहिमपुरा नेशनल स्टोर परंपरा नाम से हमारा सबसे बड़ा शोरूम है यहाँ पर जी जी सिटी भोपाल बढ़िया। तो दोस्तों रवि ने काफी सारे कपड़े ले लिए हैं, मेरे लिए भी अपने लिए भी। अभी जो है हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, मतलब अपने भोपाल वाले घर के लिए, और कुछ कपड़े अभी छूटे हैं क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा था। ऑनलाइन देख ले, समझ ले, उसके बाद जो बोलेगा ना जैसा एग्जैक्ट वैसा ही बन जाएगा। अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। कहाँ? तो काफी बढ़िया लगता है, खासकर आप जब ऐसी जगह पर हो जहां चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हो और चारों तरफ लाइटिंग्स भी हो। ये एक कमाल का अनुभव है, यकीन मानिए। यहाँ का माहौल ही अलग है। और अभी रात के 9:17 हो रहे हैं और इस समय तक यहाँ की ज्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें लगभग बंद हो चुकी हैं, लाइट्स भी ऑफ हो चुकी हैं, कुछ कुछ दुकानें केवल खुली हैं। ये देखिए जरा दोस्तों, हम लोग अब निकल चुके हैं और जा रहे हैं वापस घर की तरफ। पानी ठीक है ना? हाँ अच्छा ना पानी। अमन भाई साथ में, साथ में रवि है। राजा भोज क्षेत्र के पास से होते हुए